सेल्फ आमिर सईद, SSC LTS। आज मैं लोको टेस्टिंग के बारे में बताएंगे और ब्रेक सिस्टम के बारे में। सबसे पहले ये फ्लो चार्ट आता है, लोको टेस्टिंग में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, FIR जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद हो गया कूलेंट फिलिंग एंड कन्वर्टर 1 एंड 2 में कूलेंट की फिलिंग हो गई, कंप्रेशर आयल लेवल हम लोग चेक करते हैं। पेंटो का टेस्टिंग और कैलिब्रेशन होता है हमारे, क्या न्यूमेटिक टेस्टिंग हो गई, वोल्टेज कंटिन्यूटी टेस्ट, थ्रू लॉजिक वॉक, हाई वोल्टेज चार्जिंग एंड कंप्रेशर वर्किंग हो गया, एयर ब्रेक टेस्ट हो गया, ट्रैक टेस्ट एंड रीजनरेटिव ब्रेक, सेफ्टी डिवाइस ऑपरेशन, फिर शावर टेस्ट आता है, फाइनल इंस्पेक्शन और लास्ट में लोको हमारे यहाँ से डिस्पैच हो जाता है। ये फ्लो चार्ट के जरिए दिखाया गया है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग आते हैं पेंटो टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंटो का राइजिंग टाइम लोग सेट करते हैं और पेंटो का फॉल टाइम। हमारा राइजिंग टाइम है 6 से 10 सेकंड, 6 से 10 सेकंड में हमारा पेंटो उठ जाना चाहिए और पेंटो फॉल टाइम भी हमारा 6 से 10 सेकंड। दिखाता हूँ इसमें किस तरह हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं, ये वीडियो के थ्रू दिखाया गया है इसमें। सबसे पहले हम लोग पेंटो की फ्री हाइट सेट करते हैं। फ्री हाइट हम लोग पेंटो की 2 मीटर रखते हैं। 2 मीटर रखने के बाद हम लोग फ्री हाइट इसके ऊपर 7 kg का वेट इसको लटकाते हैं। हम लोग 7 kg का वेट, 7 kg वेट लटकाने के बाद पेंटो की हम लोग सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेटिंग जो है 2 मीटर की कर लेते हैं। इसके बाद 1.75, 1.5, फिर 1 मीटर, फिर 0.5, इस हम लोग सेटिंग करते हैं। अब ये दिखाएंगे कैसे करते हैं। ये हमारी दोनों राइजिंग स्प्रिंग है, यही हमारे पेंटो को उठाती है। दो स्प्रिंग होती है, दोनों की सेटिंग यहाँ से हो रही है। दोनों में हम लोग बराबर से जो भी सेटिंग करते हैं या नट टाइट करते हैं, बराबर इक्वल होना चाहिए बराबर से। जैसे ये 7 kg का वेट हमने यहाँ पे लटकाया, ये हमारा 1.75 पेंटो हम लोग के छोड़ देते हैं 1.75 पे, हाथ से ले आकर और पेंटो को वहाँ पे रुके रहना चाहिए, डाउन नहीं आना चाहिए। अगर डाउन हो रहा है तो स्प्रिंग का टेंशन को हम लोग यहाँ से नीचे, इसी तरह 1.75 पे लाते हैं हम लोग, फिर 1.5 पे, फिर 1 मीटर पे, फिर 0.5 पे। इस हम लोग ये 4 सेटिंग यहाँ पे कर लेते हैं ये पेंटो की। ये रॉड लगाए हैं हमने, रॉड में सब मार्किंग किया हुआ है, 2 मीटर, 1.7, 1.5 और 0.5। इस तरह पेंटो को ला ला करके हम लोग मैनुअल हाथ से इसको रोकते हैं वहीं पे, और पेंटो को डाउन नहीं होना चाहिए। अगर पेंटो डाउन हो रहा है तो इसका मतलब स्प्रिंग का टेंशन कम है, फिर नीचे से हम जो राइजिंग स्प्रिंग है उसके टेंशन को हम लोग और यहाँ से सेट करते बढ़ाते हैं।
इस तरह की हमारी ये पैंटो की एक सेटिंग ये हो गई। इसके बाद फिर हम लोग इसका टाइमिंग सेट करते हैं। अभी ये पैंटो को हम उठा रहे हैं, इसको पैंटो के सिलेक्शन स्विच के थ्रू इसको हम लोग जो भी पैंटो को हम कमांड देंगे, पैंटो वन या पैंटो टू, वो पैंटो टू उठेगा, वन या टू जिसमें भी हम कमांड देंगे। और ये हमारा राइजिंग जो है नीचे से लेकर ऊपर तक जाने पे 6 to 10 सेकेंड होना चाहिए, 6 से 10 सेकेंड के बीच में हमारा ऊपर भी जाएगा और नीचे भी 6 to 10 सेकेंड में नीचे आना चाहिए। अब ये देखिए 3 स्टेप में जा रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जाकर के हमारा कटलरी वायर से टच कर जाएगा। अब इसी तरह जैसे ये 6 से 10 सेकेंड में ऊपर चला गया, इसी तरह हम नीचे इसको डाउन करेंगे। डाउन करने देखिए 6 से 10 सेकंड में ये हमारा नीचे आ जाए। तीसरा हम लोग सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे लोगो डेस्कटॉप में, नॉन ओएची एरिया में करते हैं हम लोग, जहाँ पे ओएची नहीं है। ठीक है, ये हमारा पेंटो की सेटिंग हो गई। अब आता है पेंटो का थ्रॉटल वाल। थ्रॉटल वाल का काम यही है, पेंटो में जो डाउन टाइम होता है हम लोग थ्रॉटल वाल के थ्रू ही करते हैं। हमारा ये थ्रॉटल वाल लगा हुआ है, ये मशीन रूम में लगा होता है ये थ्रॉटल वाल। थ्रॉटल वाल का काम यही है कि जो भी डाउन टाइम होता है वो हम लोग इसी से सेट करते हैं। अगर यहाँ पे स्क्रू लगा है तो इसको टाइट करेंगे तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा, ढीला करेंगे तो पेंटो जल्दी से नीचे आ जाएगा। तो हम लोग यहीं से सेट करते हैं, 6 to 10 सेकेंड की जो टाइमिंग है हम लोग थ्रॉटल वाल के थ्रू ही करते हैं। और यहीं से पेंटो के लिए एयर भी जाता है ऊपर, यहाँ से एयर आएगी ब्रेक पैनल से और यहाँ से होता हुआ हमारा सर्वो मोटर में जाएगी ऊपर और वहाँ से पेंटो उठेगा। इससे हम लोग पेंटो की सेटिंग कर लेते हैं। ये अग्री कंप्रेशर जो पेंटो हमारा कैसे उठता है, इसके लिए एक छोटा सा सर्किट डायग्राम हमने बनाया है। इसको मैं दिखाता हूँ कैसे ये हमारा एयर कहाँ से कहाँ जाती है और पेंटो कैसे हमारा काम करता है। ये हमारा ऑग्जिलरी कंप्रेशर है, सीपीएम मींस ऑग्जिलरी कंप्रेशर हो गया। ऑग्जिलरी कंप्रेशर हमारा जब चलेगा, ये चल गया हमारा, चलने के बाद फिर एयर यहाँ से आगे बढ़ती है और ये एयर स्ट्रेनर है, यहाँ पे एयर भरेगी। इसके बाद ये देखिए एयर आगे हमारी बढ़ती जा रही है। ये एक एनआरवी लगा हुआ है, नॉन अटेंडेबल चेक वाल होता है। और ये सेफ्टी वाल लगा हुआ है, ये 8.5 पे ब्लो करता है। लेकिन हमारा जो ऑक्सिलरी कंप्रेशर का वर्किंग प्रेशर है वो 7 to 8 kg है, इसके ऊपर नहीं जाता। 8 kg पे हमारा ये कंप्रेशर ऑफ हो जाता है और जैसे ही प्रेशर 7 kg होता है फिर ये ऑन होता है। ये ऑन ऑफ इस तरह होता रहता है, 7 to 8 kg के बीच में हमारा ये ऑक्सिलरी कंप्रेशर काम करता है। सेफ्टी वाल एक अलग से लगाया गया कि मान ली किसी वजह से अगर ऑक्सिलरी कंप्रेशर 8 kg पे नहीं ऑफ होगा तब हमारा ये 8.5 kg पे सेफ्टी वाल यहाँ से ब्लो करेगा। एनआरवी से होते हुए हमारी एयर, एक प्रेशर स्विच पीएस मींस प्रेशर स्विच लगा हुआ है। इसके बाद फिर ये एक रिजर्वायर रहता है हमारा ब्रेक पैनल के पीछे और एयर हमारी यहाँ से एक ये कॉक लगा हुआ है 38 नंबर। इस कॉक से ये हमारा ईपी, ये पेंटो वन और पेंटो टू के लिए हमारे दोनों मैग्नेट वाल लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोनेमेटिक मैग्नेट वाल ये दोनों रहता है। तो जिस भी पेंटो को हम कमांड देंगे वो एयर उसी में जाएगी, उसी पेंटो के लिए जाएगी एयर। सपोज करिए हमने पेंटो वन के लिए कमांड दिया तो ये एयर यहाँ से आएगी, ये क्योंकि ये मैग्नेट वाला है तो जैसे इसमें सप्लाई आएगी तो ये कॉइल इसका एयर दोनों में यहाँ आकर के रुकी रहती है। जैसे जो भी मैग्नेट वाला एनर्जाइज होगा वो पोर्ट को खोल देगा, खोलने के बाद एयर यहाँ से आउट होती हुई पेंटो को अप कर देगी। अगर टू को करेंगे तो टू वाला भी इधर से उठ जाएगा। अभी हमने वन को देखा है कि वन कैसे अप हो रहा है। ठीक है, तो 8 kg तक तो ये हमारा काम करता है। उसके बाद हमारा मेन कंप्रेशर जब चल जाता है तो मेन कंप्रेशर चल जाने के बाद एमआर का प्रेशर भी इसमें आता है इधर से,
मेन रिजर्वायर का प्रेशर, एक एनआर भी इधर भी लगा हुआ है कि एमआर का प्रेशर इधर से आएगा तो एमआर के प्रेशर के थ्रू ही बाद में ये पेंटो उठा रहेगा, मेन कंप्रेशर हमारा चलता रहेगा तब ये पेंटो हमेशा उठा रहेगा। इधर भी एक एनआरवी लगा हो, इधर भी एक एनआरवी लगा हुआ है। इधर इसलिए लगा है कि ये एयर इधर से इधर ना जाने पाए। अगर ये एयर इधर से इधर जाने लगेगी, क्योंकि मेन रिजर्वायर बहुत बड़ा रहता है, तो फिर ये अगली कंप्रेशर उसको भरने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एनआरवी यहाँ लगा हुआ कि ये एयर यहाँ आकर के रुक जाए यहाँ से। एमआर की एयर इधर से हमेशा आती रहेगी। ये एमआर का मेन रिजर्वायर का वर्किंग प्रेशर 8-10 kg है। तीसरा हमारा पेंट्रो का आते हैं ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा ब्रेक सिस्टम हमारे डीएलडब्ल्यू में यूज होता है या होता था पहले। सबसे पहले हमारा आया था 28LV1, ये हमारा बंद हो चुका है। लोको वैक्यूम, प्योर वैक्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं लोको वैक्यूम ब्रेक। फिर 28LV1 लोको एयर एंड वैक्यूम ब्रेक, ये भी बंद हो चुका है। इसका यूज हम लोग जो है हमारा एक्सपोर्ट लोको होता है, जैसे श्रीलंका या बांग्लादेश वगैरह में अभी भी ये लोग ड्यूल ब्रेक मांगते हैं, तो उसके लिए 28LV1 ही हम लोग लगाते हैं। इसमें एयर एंड वैक्यूम दोनों ब्रेक होता है। इसमें एक एयर का भी पैनल रहता है और एक वैक्यूम का, और कंप्रेशर का जगह हम लोग एक्सप्रेसर यूज करते हैं, लेकिन इंडिया से ये सब बंद हो चुका है। उसके बाद IRAB इंडियन रेलवे एयरबैग सिस्टम आया, ये हमारे एल्को में अभी भी लगता है। एल्को लोको जो बनता है उसमें IRAB सिस्टम ही लगता है। इसके बाद आया CCB 1.5, ये हमारे शुरू में जो HHP आए थे उसमें लगता था 1.5, कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक 1.5 इसका वर्जन है, लेकिन ये भी बंद हो चुका है। अब लेटेस्ट आया है CCB 2, कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक 2, तो ये हमारे HHP में भी लगता है ये CCB 2, और इलेक्ट्रिक लोको में भी हमारे जो हमारे DLW में इलेक्ट्रिक लोको बन रहा है उसमें भी CCB 2 लगता है। और E70 का ये भी हमारे इलेक्ट्रिक लोको में ही यूज होता है। दो तरह का जो ब्रेक सिस्टम है एट प्रेजेंट DLW में यूज होता है इलेक्ट्रिक लोको के लिए, वो है कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक CCB 2 और दूसरा फैबली का, ये दोनों ही यूज होते हैं। E70 और CCB दोनों ही यूज होते हैं। मेन पार्ट्स ब्रेक सिस्टम के क्या क्या होते हैं ये दिखाया हुआ है इसमें। सबसे पहले आता है इसका एयर ब्रेक पैनल, तो दोनों के पैनल को बारे में हम दिखा देंगे कि किस तरह का पैनल होता है, क्या यूज है इसका। ये हमारा CCB 2 का पैनल है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर आता है हमारा जंक्शन बॉक्स, यही से सारे केबल वगैरह निकलते हैं, यहीं से पावर सप्लाई आती है। 110 वोल्ट की सप्लाई हमारी PSJB में आती है, पावर सप्लाई जंक्शन बॉक्स हो गया ये। 110 वोल्ट की सप्लाई इसमें आती है और यहाँ से फिर ये 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके पूरे हमारे सिस्टम को ये सप्लाई देता है। MPIO ये लगा हुआ है, ये कम्युनिकेशन का काम करता है, मल्टीपल इनपुट आउटपुट ये है, इसको हम लोग HHP में लॉन बीक बोलते थे, लोकल ऑपरेटिंग नेटवर्क, ये कम्युनिकेशन का काम करता है। उसके बाद ये रिले कंट्रोल पोजिशन है, RCP हो गया, और ये VCD विजन कंट्रोल्स के लिए EVC लगा हुआ है हमारा। ये पोर्शन हमारा ऑक्सिली पैनल हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ऑक्सिली हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा MR का फिल्टर है, 16CP 20CP ERCP कई बैकअप वाल BCCP और BCCP BPCP। तो ये हमारा पूरा ये ब्रेक पोर्शन है, ब्रेक से रिलेटेड है ये। तो ऑक्सिली में हमारा क्या रहता है, ऑक्सिली में हमारे पेंटो के सिलेक्शन स्विच हो गए, पेंटो का वाल हो गया, सेंडर के मैग्नेट वाल हो गए इसमें, और फीड वाल भी यहीं पे दिया हुआ है। यहाँ पे फीड वाल के लिए भी हमारा ऑक्सिली में ही एक वाल लगा दिया है, और जितने भी सारे प्रेशर स्विचेस हैं सब हमारे ऑक्सिली में सब आते हैं, और जितने भी कॉक वगैरह है सब ये ऑक्सिली में आता है हमारा। और ब्रेक से रिलेटेड ये नीचे है, इतना पोर्शन है ये ब्रेक से रिलेटेड है। 16 ये कंट्रोल पोर्शन हो गया, ये BC इससे बनता है हमारा, ये और ये मिल करके 20CP ये भी BC बनाता है, ये डायरेक्ट ब्रेक पाइप में जाता है एयर जो हमारा मल्टीपल में काम आता है।
जब दो लोकोमोटिव एक साथ जोड़ते हैं तो 20 CP का यूज होता है उसमें। जब हम लोग SA9 से ब्रेक लगाते हैं तो यहीं से प्रेशर आउट होकर के दूसरे लोको में इन होता है। ये भी ER कंट्रोल, ER का कंट्रोल प्रेशर है ये, इससे हमारा BP चार्ज होता है। यहाँ से ये BP को ये प्रेशर देता है, यहाँ से BP हमारा 5 kg, BP का जो कंट्रोल पोर्शन है यहाँ से 5 kg हमारा BP बन करके निकलता है ब्रेक पाइप का प्रेशर। और यहाँ से BC हम चाहे A9 लगाएं चाहे SA9 लगाएं, तो BC का जो कंट्रोल पोर्शन हर एक चीज़ में CCP 1.5 और 2 में यही डिफरेंस है कि इसमें सारा चीज़ एक पोर्शन में कर दिया है। इसमें वाल भी AC के अंदर है, पार्ट भी है और सेंसर भी है, सारा चीज़ इसी में एक में कर दिया है। CCP 1.5 में सब चीज़ अलग अलग था, कार्ड अलग थे, वाल्व अलग था और सेंसर अलग थे। इसमें एक पोर्शन बना दिया है कि कोई भी अगर फॉल्ट आता है इसको पूरा हम खोल करके आसानी से चेंज कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे LED लाइट भी लगी रहती है, अगर रेड जल रही है तो इसका मतलब ये वाल्व गड़बड़ है, ग्रीन जल रही है तब ये वाल्व हमारा सही है। और एक येलो लाइट होती है, येलो लाइट का यूज जब हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं तब येलो लाइट जिस भी पोर्शन में सॉफ्टवेयर जाता है उसका जो है येलो लाइट जलने लगता है। जैसे इसमें नंबर ऑफ नोट, ये सब पूरे नोट कहलाते हैं, इसमें 8 नोट होते हैं। तो जो हमारा ब्रेक कंट्रोलर होता है, 2 ब्रेक कंट्रोलर वो भी नोट हो गए, 2 नोट वो भी हो गए, बाकी 6 नोट यहाँ पे हो गए हमारे, टोटल 8 नोट होते हैं। तो ये हमारा CCB का ब्रेक पैनल है। देखिए पेंटो को यहाँ सिलेक्शन स्विच दिया हुआ, पेंटो 1, पेंटो 2 और ऑटो। तो यहीं से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि किस पेंटो को हमको उठाना है टेस्टिंग के टाइम में, पेंटो 1, पेंटो 2 या ऑटो। पेंटो का मैग्नेट वाल भी यहीं पे लगा हुआ है सब, ये देख रहे हैं ना, ये जो पेंटो है, पेंटो 1, पेंटो 2 के लिए ये दोनों मैग्नेट वाल लगे हुए हैं। जो भी पेंटो उठाना होगा पेंटो 1, तो पेंटो 1 के मैग्नेट वाल में सप्लाई आएगी और यहीं से एयर आउट होकर करके हमारा ऊपर जाएगी मोटर में, ठीक है। ये हमारा इसके लिए गेज लगा हुआ है जो हमने ऑक्सिलरी कंप्रेशर लगाया है, और यहाँ पे एक सेफ्टी वाल भी लगा होता है जो 8.5 पे ब्लो करता रहता है, ये लगा है सेफ्टी वाल छोटा सा, ठीक है। ये हमारा E70 का पैनल है, ठीक है। ये हमारा VCD डिवाइस है, विजन कंट्रोल्स डिवाइस, ये VCD लगा हुआ है, यूनिट लगी है। इसी के बैक साइड में इलेक्ट्रॉनिक कंसोल है, इसमें सारे कार्ड होते हैं, कंट्रोल कार्ड वगैरह सब इसी के अंदर रहते हैं बैक साइड में। तो इसमें भी देखिए ये हमारा ये ऑगली हो गया यूनिट ऊपर वाला पूरा, और यहाँ से यहाँ तक का ये ब्रेक है पूरा, ये सारे ब्रेक से रिलेटेड वाल दिए हुए इसमें। ये सेंडिंग के लिए मैग्नेट वाल लगा हुआ है, ये ड्यूप्लेक्स चेक वाल यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वाल लगा हुआ है, और उसके साथ D2 रिले वाल लगा हुआ है। ये वाल हमारा SA9 के लिए है, जब हम SA9 से ब्रेक लगाते हैं तो इसी वाल के थ्रू हमारा प्रेशर आउट होता है 3.5, और A9 से जब ब्रेक लगाते हैं तो हमारा ये देख रहे हैं ये वाल लगा हुआ है ना, ये D2, इसको हम लोग डायरेक्ट भी बोलते हैं, ऑटो बोलते हैं, D2 ऑटो। यहाँ से जैसे भी A9 से हम ब्रेक लगाएंगे 2.5 kg का प्रेशर यहीं से आउट होगा। और ये हमारा E70 का कंट्रोल इक्विपमेंट लिख दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है यहाँ से हमारा BP 5 kg यहीं से बंद करके निकलता है E70 यूनिट से, ठीक है। तो सारा चीज़ हमारा देखिए इसमें भी यहाँ पे पेंटो का सिलेक्शन स्विच यहाँ पे दिया हुआ, पेंटो 1, पेंटो 2 और ऑटो यहाँ पे दिया हुआ इसमें इस साइड में, और सारे ये देखिए यहाँ पे सारे प्रेशर स्विचेस ऊपर लगे हुए हैं। तो ये पूरा हमारा E70 का ये पैनल है, इस पैनल से हमारा सारे प्रेशर इन आउट इससे होते हैं। BP का प्रेशर यहीं से 5 kg बन करके निकलेगा, A9 हो चाहे SA9 हो उसका भी प्रेशर यहीं से आउट होकर के निकलेगा। A9 से ब्रेक लगा रहे हैं तो 2.5 kg का ब्रेक लगेगा, SA9 से लगा रहे हैं तो 3.5 kg का ब्रेक इस वाल के थ्रू आउट होगा। सेंडर ऑपरेट करेंगे तो ये सेंडर के देखिए मैग्नेट वाल यहाँ पे लग गए।
देखिए ये ब्रेक इसमें दिया हुआ है, जैसे ईआरसीपी क्या चीज़ है, तो यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है। इक्वलाइजिंग रिजर्वायर हो गया, कंट्रोल पोशर, बीपी का कंट्रोल पोशर, बीपीसीपी मतलब ब्रेक पाइप का कंट्रोल, हर एक चीज़ का अलग अलग ये पोर्शन बना दिया है सब चीज़। ये चीज़ हमारा एचएचपी हो चाहे इलेक्ट्रिक लोको हो, ये चीज़ एकदम कॉमन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इतना पोर्शन ये हमारा इतना पूरा कॉमन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो सीसीबी टू में का एडवांटेज ये है कि अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो फॉल्ट डायग्नोसिस इसका बहुत इजी है, बहुत ही आराम से फॉल्ट इसमें पकड़ में आ जाता है, क्योंकि हर एक पोर्शन का अलग अलग कोड होता है। जैसे बीपी से रिलेटेड कोई फॉल्ट हुआ तो उसका अलग कोड होगा, बीसी से रिलेटेड कोई फॉल्ट आई तो उसका अलग कोड होगा, या ब्रेक कंट्रोलर से रिलेटेड कोई फॉल्ट है तो उसका अलग कोड होगा। वो हमारा ब्रेक कंट्रोलर में फॉल्ट कोड आ जाएगा, उसके बाद इसी को देख करके हम लोग फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे। ये देखिए जो हमने बताया था ना, ये एक देखिए हमारा, इसमें ये तीन एलईडी लाइट जली हुई है, ग्रीन, रेड और येलो। ग्रीन है तो हमारा ये पोर्शन पूरा सही है, अगर रेड जल रही है तो ये गड़बड़ हो गया। इसको क्या करेंगे, इसमें तीन नट खोल लेंगे, इसको निकाल के चेंज कर देंगे। येलो का यूज तब होता है, येलो लाइट तब जलती है जब इसमें हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं, तब ये येलो लाइट जलती है जिस भी पोर्शन में सॉफ्टवेयर जाएगा। देखो ना ये ऊपर ये नोड है हमारा, और कार्ड भी इसी में रहते हैं, वाल भी इसी के अंदर रहता है, और सेंसर भी इसमें, मतलब ये एक पोर्शन पूरा बना दिया है कि कोई भी फॉल्ट आती है इस वाल में तो इसको निकाल के फौरन हम लोग चेंज कर देते हैं। ब्रेक कंट्रोलर दिखा देते हैं, ब्रेक कंट्रोल किस टाइप का होता है। ये देखिए सीसीबी का, ये कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक का, ये ब्रेक कंट्रोलर है, किस तरह दिखता है ये हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक कंट्रोलर है। ये A9 ऑटो ब्रेक है, इससे लगाते हैं हम लोग, और ये इधर वाला SA9, इसमें हमारी पांच पोजीशन दी हुई है, रिलीज, रन, मिनिमम, फुल और इमरजेंसी। यहाँ पर सब लिखा भी हुआ है, रिलीज, रन, मिनिमम, फुल और इमरजेंसी। तो हमारा जब गाड़ी रन में हैंडल रहेगी तो हमारी गाड़ी चलती रहेगी, उसमें कोई ब्रेक नहीं लगा रहेगा, और बीपी का प्रेशर 5 kg रहेगा, बीपी का प्रेशर 5 kg रहेगा। अगर हमको ये मिनिमम ब्रेक लगाना है तो हैंडल को ले आकर के हम मिनिमम में रखेंगे, मिनिमम पे करने पे हमारा बीपी का प्रेशर ड्रॉप करेगा, 5 kg से 4.6 हो जाएगा, और ये ब्रेक स्टैंडर्ड में प्रेशर हमारा 0.4 kg आ जाएगा, 0.4 से 0.5 kg आ जाता है इसमें। इसके बाद फुल सर्विस से अगर फुल ब्रेक लगाना है तो हैंडल को हम ले आकर के फुल सर्विस पे डालेंगे यहाँ से, तो हमारा 3 ERBP कितना ड्रॉप करेगा, 3.25 हो जाएगा, और फुल सर्विस में ब्रेक हमारा 2.5 kg का ही ब्रेक लगता है फुल सर्विस में। अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना है तो हैंडल को यहाँ से इमरजेंसी में ले आएंगे सीधा, इमरजेंसी में बीपी हमारा 0 हो जाता है, और मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 2.5 kg है तो 2.5 kg ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाता है। तो ये पाँच पोजिशन है इसमें दी हुई A9 में, ये देख रहे हैं ना, ये डिस्प्ले है, इसी डिस्प्ले में कोई भी फॉल्ट होगा तो इसी डिस्प्ले में फॉल्ट आएगा। उसी तरह SA9 है, SA9 में दो ही पोजीशन होती है, रिलीज और एप्लीकेशन। रिलीज में ब्रेक सेंडर 0 रहेगा, और डायरेक्ट ब्रेक पाइप जिसको हम लोग बीसी फ्लैजिंग भी बोलते हैं, इसका यूज जब हम दो लोकोमोटिव एक साथ जोड़ते हैं मल्टीपल में तब उस डायरेक्ट ब्रेक पाइप का यूज होता है। तो बीसी में भी प्रेशर आएगा और इसमें भी आता है, डायरेक्ट ब्रेक पाइप जो हमारा मल्टीपल के लिए आगे बीसी फ्लैजिंग का जो पाइप होता है उसमें एयर आती है जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो रिलीज और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में जैसे हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे यहाँ से, रिलीज से एप्लीकेशन में यहाँ पे लाएंगे तो हमारा 3.5 kg का 3.5 kg का ब्रेक लगेगा लोको में, और डायरेक्ट ब्रेक पाइप में भी 3.5 जो हमारा दूसरा लोको अगर हमने जोड़ा है
तो उसमें भी ये ब्रेक 3.5 kg का ही लगेगा, दूसरे लोगों में भी। तो ये हमारा SA9 हो गया, जिसको हम लोग लोको ब्रेक भी बोलते हैं, या सेल्फ इंडिपेंडेंट ब्रेक या डायरेक्ट ब्रेक भी हम इसको बोल सकते हैं। फुल और रिलीज के बीच में देखिए ये फ्री जोन होता है। ऐसा नहीं कि आप पूरा फुल पे ही, अगर आपको कम ब्रेक लगाना है तो फ्री जोन में जाकर के कहीं भी आप हैंडल लगा सकते हैं। सपोज करिए यहाँ से हमने यहाँ पे बीच में लिया है, फुल से रिलीज के बीच में, ठीक है, रिलीज से हम लिया और यहाँ पे फुल से पहले ही यहाँ पे ले आए, तो 3.5 kg का ना लग करके 3 kg भी लग सकता है, 2.5 kg भी लग सकता है। फ्री जोन में आप कहीं भी इसको हैंडल ले आ सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें इसमें दो एयर कंप्रेशर यूज होते हैं, एक राइट साइड में रहता है, दूसरा लेफ्ट साइड में रहता है। दोनों कंप्रेशर एक साथ चलते हैं, आप भी एक साथ होगा। पहले सॉफ्टवेयर में यह था कि एक एक चलते थे अल्टरनेट, लेकिन सॉफ्टवेयर अब चेंज कर दिया गया है, ऑन हो गए तो दोनों एक ही साथ होंगे, और ऑफ होता है तो दोनों एक साथ ही होता है। एयर का प्रेशर यहीं से हमारा बिल्टअप होता है, जो मेन रिजर्वायर में जाकर भर जाता है हमारा, यहाँ से कंप्रेशर के थ्रू ही। ये मोटर लगी हुई है और यह कंप्रेशर है। मेन रिजर्वायर भी तीन होते हैं, एक में MR1, MR2 और ऑक्सिलरी रिजर्वायर जिसको हम लोग बोलते हैं, तीन रिजर्वायर है। ये हमारा रिजर्वायर जिसमें वर्टिकल रहता है, ये भी रिजर्वायर लगे हुए हैं, इसमें वर्टिकल है। ये हमारा रिजर्वायर इसमें लगा हुआ है, इसी में एयर आकर के भरती है, फिर यहाँ से ये पैनल में जाती है। और ये देखिए कि ये सेफ्टी वाल यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो हमने एक दिखाया था ना NRV, ये NRV लगा हुआ है। यहाँ से इन होगी लेकिन यहाँ से रिटर्न नहीं आएगी, ये NRV लगा हुआ है। ये सेफ्टी वाल है, सेफ्टी वाल की सेटिंग हम लोग 10.7 kg पे करते हैं, 10.7 kg/cm² पे होती है सेफ्टी वाल की सेटिंग। और लोगों का वर्किंग प्रेशर कितना रहता है, 8 to 10 kg, 8 से 10 kg हमारा वर्किंग प्रेशर है। 10 kg आने पे हमारा मेन कंप्रेशर जो है ऑफ हो जाएगा, और 8 kg आएगा तो फिर वो स्टार्ट हो जाता है। 8 to 10 हमारा ये वर्किंग प्रेशर होता है। नीचे अंडर फ्रेम में और नीचे की 8 to 10 भी लगा हुआ है। ये यहाँ से मॉइस्चर, यहाँ इसमें तो सारा जो भी डस्ट वगैरह है यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, मान ली कुछ आयल है या कुछ भी हो पाइपलाइन में, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है मॉइस्चर वगैरह, और ये 8 to 10 लगा हुआ है, यहीं से ये ड्रेन करता रहता है टाइम टू टाइम। इसके बाद एयर ड्रायर लगा रहता है हमारा इसी सर्किट में, ब्रेक सर्किट में एयर ड्रायर। एयर ड्रायर का यूज है, इसमें दो टावर होते हैं, ये एक एक मिनट के इंटरवल पे पर्जिंग करता रहता है, मतलब मॉइस्चर को वहां से ड्रेन करता रहता है। तो दोनों टावर के अंदर छोटे छोटे बॉल टाइप के डेसिकेंट होते हैं, वो क्या करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो उसके बाद एक एक मिनट के बाद इसमें टाइमर लगा हुआ है, वो एक एक मिनट के इंटरवल पे वो ऑपरेट होता रहता है मैग्नेट वाल के थ्रू, और एयर को वहीं से मॉइस्चर को वहां से एग्जॉस्ट करता रहता है। तो एयर ड्रायर क्यों लगा हुआ, क्योंकि ब्रेक पैनल में हमने हमारी एयर एकदम ड्राई जाना चाहिए, अगर ड्राई नहीं जाएगी एयर तो क्या होगा, ब्रेक फेल हो सकता है, इसलिए एयर ड्रायर लगाया जाता है। उसके बाद 8 to 10 वाल हमने बताई दी आपको, बोगी की बीसी लाइन भी हमारे अंडर फ्रेम में रहती है, डबल चेक वाल भी दोनों बोगी में लगा रहता है, डबल चेक वाल हो गया। ये फैमिली के जितनी भी गाड़ी रहती है उसमें डबल चेक वाल अंडर फ्रेम में लगा रहता है। डबल चेक वाल मतलब एक अगर हम A9 से ब्रेक लगा रहे हैं या SA9 से, तो उसमें डबल चेक वाल रहता है, कि एक अगर A9 से लगा रहे हैं तो उसका रूट सबका अलग अलग रहता है।
ये ब्रेक पैड हो गया, ऑटो ब्रेक में हमारा ब्रेक पाइप और फीड पाइप का ही मेन रोल रहता है। तो बीपी का प्रेशर ने बताया था 5 kg रहता है, ये ब्रेक पाइप जो देख रहे हैं ये ग्रीन वाला, इसमें 5 kg का प्रेशर आता है आउट होता है, और यही कोच या वैगन जिससे जोड़ना रहता है, तो ये होस को हम लोग दोनों जोड़ते हैं, बीपी और फीड पाइप। इसमें 6 kg का प्रेशर आउट होता है और यहाँ से ब्रेक पाइप 5 kg का प्रेशर। जब भी हम ट्रेन बनाते हैं तो यही दोनों होस को जोड़ते हैं, यही दोनों होस का हमारा ऑटो ब्रेक में मेन रोल रहता है। फीड पाइप भी हमने दिखाई दिया है, एमआर इक्विलाइजिंग और डायरेक्ट ब्रेक पाइप, ये देखिए ये एमआर का पाइप है और ये डायरेक्ट ब्रेक पाइप जो हमने दिखाया था। जब हम SNI से ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी को मल्टीपल में जोड़ते हैं दो लोगों को एक एक साथ, तब ये दोनों हो, या आगे वाले लोगों से ब्रेक लगाए तो दूसरे वाले लोगों में इसी होस के थ्रू एयर आउट होकर के दूसरे लोगों में जा करके ब्रेक लगता है। इसको हम लोग बीसी इक्विलाइजिंग भी बोलते हैं, ये मार इक्विलाइजिंग हो गया, ये बीसी इक्विलाइजिंग। उसके बाद है अनलोडर, लोडर भी हमारा कंप्रेशर के पास लगा होता है, कंप्रेशर को ऑफ लोड करने के लिए अनलोडर वाल लगाए जाते हैं, कि कंप्रेशर में और जो चेक वाल के बीच में जो भी एयर ट्रैप है, अगर उस एयर को निकाला नहीं जाए, उसी बीच में कंप्रेशर चलाएंगे, तो पाइपलाइन में अगर पहले ही से एयर भरी हुई है उसको नहीं निकाला गया तो कंप्रेशर पे लोड आएगा। कंप्रेशर को ऑफ लोड करने के लिए ही ये अनलोडर वाल लगा हुआ है, जब भी कंप्रेशर स्टार्ट होता है उससे पहले ये अनलोडर वाल ऑन होगा और पाइप उस पाइपलाइन की एयर को निकाल देगा। ये देख रहे हैं अनलोडर वाल है और यहाँ ये खुल जाता है और मैग्नेट वाल से जैसे ही एनर्जाइज होगा तो एयर यहाँ से आकर के हमारी एयर को यहाँ से आउट कर देगी, जो भी पाइपलाइन की एयर है यहाँ से आउट हो जाएगी, उसके बाद फिर कंप्रेशर चलता है। NRV हमने दिखाई दिया आपको, NRV कहाँ पे लगा हुआ है, MR में लगा हुआ, मेन रिजर्वायर में पहले। ऑक्सिलरी कंप्रेशर भी हम दिखा दे रहे हैं कहाँ पे लगा रहता है, इसका यूज हमने बताई दी है। ऑक्सिलरी कंप्रेशर का यूज हम लोग पेंटो उठाने के लिए काम करते हैं, और ये हमारा ये ब्रेक पैनल है, ये ऑक्सिलरी कंप्रेशर इसमें ये नीचे लगा रहता है। ये लोगों को चार्ज करने से पहले सबसे पहले काम इसी का है, पेंटो को उठाना। तो पेंटो को उठाने के लिए हमारा ऑक्सिलरी कंप्रेशर जो लगा हुआ है ये प्रेशर बनाता है 7 से 8 kg, और ये 110 वोल्ट के सप्लाई से चलता है। ऑन होने के बाद एयर हमारी यहाँ से ये ब्रेक पैनल में जाती है, ब्रेक पैनल में जाने के बाद जिस भी पेंटो को हमको उठाना है वो मैग्नेट वाल वहाँ से एनर्जाइज होगा, जो भी मैग्नेट वाल एनर्जाइज होगा वहां से एयर जा करके हमारा ऊपर पेंटो को उठाएगी। ये अगली कंप्रेशर हो गया, इसके बाद आता है इमरजेंसी ब्रेक वाल। ये देखिए इमरजेंसी ब्रेक वाल लगा हुआ है, इमरजेंसी ब्रेक वाल का यूज असिस्टेंट ड्राइवर करता है, उसको अगर ब्रेक लगाना हो तो क्या करेगा ये असिस्टेंट ड्राइवर, यहाँ भी 5 kg का प्रेशर ऑन होता है, ये हैंडल लीवर लगा हुआ है इसको ओपन कर देगा। ओपन करने में क्या होगा, बीपी हमारा एग्जास्ट हो जाएगा, तो बीपी जैसे ही ड्रॉप करेगा तो इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। ये SA9 का एक सर्किट है कि SA9 हमारा यह लोको ब्रेक या डायरेक्ट ब्रेक कैसे लगता है, इसमें दिखाया गया है। हमारे
लोकोमोटिव में दो SN9 वाले होते हैं, दोनों कैब होते हैं, दोनों के लिए एक एक SN9 वाला होता है। तो जो भी कैब हमारा एक्टिव होगा, E70 का हम बता रहे हैं, जो भी कैब एक्टिव होगा उसका ये मैग्नेट वाल जो लगा हुआ है वो डी एनर्जाइज होगा और दूसरे कैब का एनर्जाइज रहेगा। एनर्जाइज होने पे क्या होगा, हमारी एयर आकर के यहाँ पे रुकी रहेगी, MR1 की एयर यहाँ पे रुकी रहेगी और कैब वन एक्टिव है। मान ली कि हमने इसको यहाँ से अप्लाई किया ब्रेक, ये MR का प्रेशर आ रहा है, ये देखिए यहाँ से ये प्रेशर यहाँ पे आके रुका रहता है, इस सब जगह ये MR का प्रेशर हमारा जा रहा है। तो यहाँ से हमने इसको अप्लाई कर दिया SN9, ये एयर यहाँ से आउट होगी, आउट होने के बाद ये यहाँ से ये नीचे आ गई। नीचे आने के बाद क्या करेगी, ये G2 डायरेक्ट जो वाल लगा हुआ है ये एयर यहाँ करके इसको दबाएगी, यहाँ से पुश करेगी। तो जैसे ही ये दबेगा तो ये क्या करेगा, ये एयर जो MR2 की यहाँ से रुकी हुई थी यहाँ से ये आउट होने लगेगी। आउट होने के बाद हमारी नीचे G2 डायरेक्ट से होती हुई ये अंडर फ्रेम में जाएगी और उसके बाद जो है ये हमारा ब्रेक सिलेंडर में जाएगी। ब्रेक सिलेंडर में जाने के बाद फिर वो ब्रेक लग जाएगा। ये छोटा सा सर्किट है SN9 का। यहाँ से एयर आई, इसको यहाँ से दबाएगी, यहाँ पे पुश करेगी, ये एयर जहाँ पे पहले ही से आकर के रुकी रहती है कि यहाँ से आपस में ये कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ से होते हुए ये हमारा ऑटो SN9 ब्रेक लग जाएगा, लोको ब्रेक जो होता है। ये ऑटो ब्रेक है, ऑटो ब्रेक हमारा कैसे काम करता है, ट्विन पैक ब्रेक सिस्टम हमारा जो ऑटो ब्रेक कैसे लगता है हमारे कोचेस में ये दिखाया गया है। इसमें हमारा ये ऊपर वाली है ब्रेक पाइपलाइन ग्रीन वाली, ये हमारी हो गई नीचे फिट पाइपलाइन, ये दो लाइन जाती है हमारे कोचेस में भी। BP हमारा लोको के थ्रू चार्ज हो जाएगा, ये इमरजेंसी ब्रेक वाल लगा हुआ है, ये हमारा BP यहाँ से मान लीजिए कि हमने जोड़ा है, BP चार्ज हो गया। BP अगर 5 kg है, फिट 5-6 kg है तो BC 0 रहेगा और अगले दरवाजे का प्रेशर 6 kg है और कंट्रोल दरवाजे का 5 kg, ये नॉर्मल हमारा ये चार्जिंग है। एप्लीकेशन में क्या होता है, BP ड्रॉप करेगा तो BC अप्लाई हो जाएगा। तो वही इसमें दिखाया गया है कैसे हमारा BP चार्ज हो रहा है, फीड पाइप चार्ज हो रहा है, ये चीज़ दिखाया कैसे ऑटो ब्रेक लग रहा है। ये हमारा BP चार्ज हो रहा है, तो हमारा कंट्रोल वायर भर गया यहाँ पे और इधर से क्या होता है हमारा ये फीड पाइप हमारा आ रहा है, फीड पाइप का प्रेशर ये हमारा फिट पाइप चार्ज हो रहा है, फिट पाइप से हमारे दोनों ऑक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज हो गए, भर गए। ठीक है, ये हमारा देखिए ऑक्सिलरी रिजर्वायर हमारा चार्ज हो गया। अब जैसे ही ये प्रेशर को हम BP के प्रेशर को ड्रॉप करेंगे तो यही आकर के यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वाल है, ये कंट्रोल रिजर्वायर है, तो BP के प्रेशर को जैसे ही हम ड्रॉप कराएंगे अब ये देखिए BP का प्रेशर को हमने ड्रॉप कराया तो क्या होगा, यहाँ से ये जो प्रेशर है यही आकर के हमारा ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर बन जाएगा, यही हमारा जा करके नीचे ब्रेक लगाएगा, यहाँ से प्रेशर आउट हो जाएगा जैसे हमने BP को ड्रॉप कराया और ये हमारा नीचे ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर आएगा, BC लाइन में आएगा, फिर ब्रेक सिलेंडर में जाएगा। ब्रेक सिलेंडर में जाने के बाद हमारा ये ऑटो ब्रेक लग जाएगा। ये हमारा
ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम है कि कोच में कैसे ब्रेक लगता है, ऑटो ब्रेक कैसे लगता है कोचेस। ये देखिए हमारा ये ब्रेक कंट्रोलर ये लगा हुआ है, ये हमारा A9 हो गया, ये SA9 हो गया, और ये क्या है हमारा ड्राइवर बैकअप वाल्व। ड्राइवर बैकअप वाल्व इसका यूज कब होता है, ये हमारा जो मेन ब्रेक फेल हो गया किसी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक्स ये CCB में दिया रहता है कि ब्रेक हमारा अगर फेल हो गया, कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक फेल हो गया, तब हम क्या करेंगे, लाइन को या सेक्शन को क्लियर करने के लिए इसमें अलग से ड्राइवर बैकअप वाल्व दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है, इसी के थ्रू हम BP को भी चार्ज करेंगे और ऑटो ब्रेक भी इसी से लगाएंगे, लेकिन उसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता है कि 10 किलोमीटर के ऊपर हमको स्पीड नहीं ले जानी है, सिर्फ हमको सेक्शन क्लियर करने के लिए अलाउ करता है। तो ड्राइवर बैकअप वाल्व कैसे काम करता है ये दिखा रहे हैं, ये हमारा ड्राइवर बैकअप वाल्व है, ये देखिए इसमें ये तीन पोजीशन दी रहती है, 3, 2 और ये 5 लिखा हुआ है इसमें, तो बीच में है, तो ये बीच में हमारा नॉर्मल जो ब्रेक होता है तब काम करेगा। अगर हमको इसको यूज करना है तब क्या करेंगे, इसको हम 3 से यहाँ पे 2 पे ले आएंगे, 3 से 2 पे लाएंगे, और 2 पे जैसे ही लाएंगे तो क्या होगा हमारा BP चार्ज हो जाएगा, तो BP चार्ज हो जाएगा और हैंडल का यूज हम लोग एज A9 की तरह यूज करेंगे। इसमें एक ये रेगुलेटर लगा होता है, ये 5 kg पे सेट रहता है, क्योंकि BP का प्रेशर 5 kg ही चाहिए हमको, तो ये 5 kg पे सेट रहता है। देख रहे हैं ये MR का प्रेशर, इसमें हमेशा 10 kg का, 8 से 10 kg जो मेन रिजर्वायर का प्रेशर है यहाँ पे इन रहता है और हमेशा यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रुका रहता है। अगर ब्रेक हमारा फेल हो गया तब इसको अगर इसको चार्ज कराना है तो उस कंडीशन में हैंडल को 3 से हम 2 में ले आएंगे, यहाँ से इधर 2 पे लाएंगे, तो 2 पे जैसे ही लाएंगे तो ये प्रेशर यहाँ से आउट होकर के, यहाँ से आउट होकर के ये जो दूसरा पाइप है ये PER का पाइप कहलाता है, न्यूमेटिक इक्वलाइजिंग रिजर्वायर। इस पाइप के थ्रू ये प्रेशर कहाँ जाएगा, ब्रेक पैनल में जाएगा और वहाँ से फिर वो BP को फिर से चार्ज करेगा 5 kg। ये प्रेशर आउट होकर के ब्रेक पैनल में जाएगा और वहाँ से ये BP को चार्ज करेगा 5 kg। 5 kg जब BP चार्ज हो जाएगा तब हमारी ट्रेन चलने लगेगी, मतलब ब्रेक हमारा रिलीज हो जाएगा और ट्रैक्शन अलाउ कर देगा। अगर BP का प्रेशर ड्रॉप है तो ट्रैक्शन अलाउ नहीं करेगा। और ड्राइवर को जब ब्रेक लगाना होगा तो इसी हैंडल का ही यूज करेगा। अब जैसे यहाँ पे 3 से 2 पे ले आया तो BP हमारा चार्ज हो गया, अब ब्रेक लगाना तो क्या करेगा, वो 2 से फिर इसको 3 पे ले आएगा, यहाँ पे 3 पे ले आएगा और उसको धीरे धीरे आगे के 3 to 5 की ओर ले आएगा धीरे धीरे। अगर डायरेक्ट 5 पे ले आएगा तो फिर वो इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, तो 3 से 5 के बीच में धीरे धीरे हैंडल को आगे बढ़ाएगा तो उससे BP का प्रेशर ड्रॉप होगा और ऑटो ब्रेक लगने लगेगा। तो ड्राइवर बैकअप वाल्व का यही काम है कि कहीं ब्रेक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक फेल हो गया तब हम इस वाल्व के थ्रू BP को चार्ज करेंगे और ऑटो ब्रेक भी इसी से हम लोग लगाएंगे। SA9 काम नहीं करेगा इसमें, सिर्फ ऑटो ब्रेक ही काम करेगा। उसके बाद देखिए इसमें हैंड ब्रेक भी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर गाड़ी कहीं खड़ी करना हो, गाड़ी शट डाउन करने के बाद पार्किंग ब्रेक दिया नहीं है तो हैंड ब्रेक ही का ही हम लोग यूज करते हैं। ये मैनुअल ब्रेक है, हैंड ब्रेक इसको लगा करके ही खड़ा किया जाता है। इसके बाद देखिए वाइपर भी इसमें दिया हुआ, विंडो वाइपर, ये भी एयर से ही ऑपरेट होता है, एयर हॉर्न भी एयर से ही ऑपरेट होता है। ये वाइपर में एयर जाती है और ये मोटर हमारी चलती है, एयर से ही चलती है। वाइपर का यूज आप लोग जानते ही है, बारिश में होता है। एयर हॉर्न भी हमारा एयर से ही ऑपरेट होता है। ये देखिए लोको का डिस्प्ले यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्प्ले में देखिए ब्रेक पाइप हमारा 5.1 kg है, जैसे हमारे एनालॉग गेज होते हैं वैसे हमारा ये डिस्प्ले में भी 5 kg यहाँ पे शो करता है। जैसे ये मेधा का सिस्टम है इसमें देखिए BP का प्रेशर यहाँ भी शो करेगा और BC रिलीज है 5 kg। जैसे ये BP ड्रॉप करेगा तो यहाँ पे रिलीज की जगह अप्लाई लिख करके आ जाएगा।
अब ये ए नाइन एस ए नाइन देखिए, अभी हमने नॉर का सीसीबी का दिखाया था, अब ये ए नाइन एस ए नाइन जो है फैब्रिक का है, ई सेवेंटी का, ये देखिए इसमें भी वही पांच पोजीशन होती है, रिलीज फुल मिनिमम इमरजेंसी सारा चीज़, इसमें भी वही चीज़ सेम चीज़ दिया हुआ है। और क्योंकि इसमें ए नाइन एस ए नाइन एक साथ दिया हुआ है, इसमें ए नाइन यहाँ पे दिया हुआ है, एस ए नाइन ये दिया हुआ है, एस ए नाइन मीन्स हमारा ये लोको ब्रेक या डायरेक्ट ब्रेक हो गया। इसका यूज़ हम लोग सिर्फ लोको में ब्रेक लगाना हो तब इसका यूज़ करते हैं। ऑटो ब्रेक का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, पूरी ट्रेन में, पैसेंजर या गुड्स ट्रेन में। सारे देखिए प्रेशर गेजेस यहाँ भी लगे हुए हैं, ये बीसी का गेज है, ये एमआर ऑफ फिट पाइप का गेज लगा हुआ है, ये ब्रेक पाइप का है, और ये एयर फ्लो इंडिकेटर है। एयर फ्लो इंडिकेटर का यूज़ हमारा बीपी लीकेज, जैसे मान लें बीपी लाइन में लीकेज है तो ये इंडिकेटर बताएगा कि बीपी में कितना लीकेज है, ये नीडल उतना उठने लगेगी, जितना ज़्यादा लीकेज होगा उतना नीडल उठती जाएगी। ये तो इसमें ड्राइवर बैकअप ब्रेक नहीं रहता है ई सेवेंटी में, लेकिन नॉर में ड्राइवर बैकअप ब्रेक भी दिया हुआ है, इसलिए सी सी बी थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है इससे। ये देखिए विंडो वाइपर मोटर का नाप यहीं पे दिया हुआ है, वाइपर मोटर हमको ऑपरेट कराना तो इसी नाप के थ्रू इसको दबाएंगे तो वाशर आएगा वाटर, और राइट और लेफ्ट जो एक पार्किंग हो गया, दूसरा सर्विस हो गया वाइपर मोटर को चलाने के लिए, ये नाप दिया हुआ। ये देखिए ब्रेक सिलेंडर दिया हुआ है, जब हम ब्रेक लगाते हैं ए नाइन या एस ए नाइन जो भी ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक हमारा ब्रेक पैनल से आउट होकर के सबसे पहले यही ब्रेक सिलेंडर में आएगी। ये देख रहे हैं ये पाइप ऐसे दिया हुआ, यहाँ से एयर इन होगी अंदर, यहाँ पे इसमें डायफ्राम होता है रबड़ का, अंदर स्प्रिंग रहती है, एयर इसको पुश करेगी तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा पिस्टन, और नीचे लीवर के थ्रू इसमें हमारा ब्रेक लग जाएगा, चाहे ए नाइन लगाएं चाहे एस ए नाइन लगाएं, पैनल से जो भी एयर आएगी सबसे पहले इसी ब्रेक सिलेंडर में आएगी। इसके बाद आता है कि सेल्फ टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, जैसे सेल्फ टेस्ट हमारा सीसीबी में दिया हुआ है, कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक में हम लोग सेल्फ टेस्ट कैसे करते हैं, या कोई भी फॉल्ट ढूंढना हो तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, या सॉफ्टवेयर लोड करना हो तो जैसे हम लैपटॉप लगा लेते हैं, लैपटॉप इंटरफेस दिया रहता है आपका जैसे नॉर का दिया है उसे खोल लेंगे, और पी एस जे बी पावर सप्लाई जंक्शन बॉक्स जो होता है पी एस जे बी में एक कनेक्टर रहता है ये को, तो हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, या हम ब्रेक कंट्रोलर में जो रहता है वहाँ से भी कर सकते हैं, हमारा जो ए नाइन एस ए नाइन का ब्रेक लैपटॉप को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ब्रेक पैनल्स के पावर सप्लाई पी एस जे बी से कर ले चाहे ब्रेक कंट्रोलर से, दोनों में कहीं से भी हम लोग कर सकते हैं। फिर इसको लगाने के बाद हम लोग क्या होता है ये स्क्रीन खुल जाता है पूरा हमारे कंप्यूटर में, ये स्क्रीन खुल जाएगा नॉर का, यहाँ पे देखिए लिखा है नेट स्कैन लोड ऑल, ये सारा चीज़ यहाँ पे ऊपर दिया हुआ, तो नेट स्कैन हम लोग सबसे पहले करते हैं। नेट स्कैन करने पर जितने भी नोड होते हैं, नंबर ऑफ नोड इसमें आठ होते हैं, आठ नोड मतलब ये सारे चीज नोड ही हैं आपका, जैसे पी एस जे बी है, आर सी पी है, या ब्रेक कंट्रोलर है, या ए आर सी पी, बी पी सी पी, सारे चीज़ें नोड है, तो नंबर ऑफ नोड इसमें जैसे हम नेट स्कैन करेंगे तो आठों नोड बताना चाहिए, उसी के बाद हम लोग सॉफ्टवेयर डालते हैं। अगर आठ में अगर सात भी नोड दिखा रहा है तो इसका मतलब एक नोड कहीं मिसिंग है, वो नोड दिखाएगा कौन सा मिस है, तो या तो वो गड़बड़ों का वाल तो नहीं दिखाएगा, नहीं शो करेगा, ठीक है, या कनेक्टर सही से लगाना हो दिक्कत हो, तो जब तक आठ नोड शो करेगा स्कैन में, अगर आठों नोड देखो उसके बाद हम लोग फिर क्लिक करते हैं लोड ऑल पे, जैसे हम लोड ऑल करेंगे तो सारा सॉफ्टवेयर वन बाई वन जैसे 16 सीपी में जाएगा, ई आर सी पी में जाएगा, बी पी सी पी में जाएगा, ब्रेक कंट्रोलर में जाएगा, वन बाई वन सब में सॉफ्टवेयर जाता रहेगा, और जिसमें भी सॉफ्टवेयर जाएगा तो उसकी लाइट जो है येलो जलने लगेगी, तो ये 15 से 20 मिनट में हमारा सॉफ्टवेयर लोड हो जाता है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सेल्फ टेस्ट भी इसका कर सकते हैं, सीसीबी में एक यही अच्छाई है कि इसका हम लोग ब्रेक सिस्टम का पूरा सेल्फ टेस्ट करा सकते हैं कि पूरा ब्रेक सिस्टम हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम लोग सेल्फ टेस्ट को करा करके भी इसको देख सकते हैं।
सेल टेस्ट कराने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेल टेस्ट दिया हुआ है और यहाँ पे सेल टेस्ट में यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो ये सेल टेस्ट अपना करने लगेगा। वन बाय वन हर एक चीज को चेक करेगा, सारे वाल को चेक करेगा, लीकेजेस चेक करेगा, एप्लीकेशन मतलब इमरजेंसी ब्रेक भी लगाएगा, फुल सर्विस भी लगाएगा, एस ए नाइन भी लगाएगा, जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सेल टेस्ट में वो कर लेगा पूरा कंप्यूटर हमारा। अगर कोई फॉल्ट है तो ब्रेक वहीं पे फेल कर जाएगा और यहाँ पे कोड आ जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोड आएगा और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक वाल जो होता है उसके डिस्प्ले पे भी कोड आ जाएगा। तो कोड आ जाएगा तो कोड के हिसाब से हम लोग उसको क्या करेंगे, कोड के हिसाब से उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे कि कहाँ पे फॉल्ट है, या लीकेज की वजह से है या कोई वाल्व गड़बड़ है उसके वजह से है, तो वो सारा चीज़ हमारा डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो फॉल्ट डायग्नोस का अलग अलग कोड होता है, उस कोड के हिसाब से हम लोग फॉल्ट को सही करेंगे, उसके बाद फिर उसको दोबारा सेल टेस्ट कराएंगे उसके, जब तक कि सेल टेस्ट पास ना हो जाए। शावर टेस्ट भी हम लोग कराते हैं, जब हमारा ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाने के बाद हम लोग शावर टेस्ट कराते हैं। शावर टेस्ट में लीकेजेस चेक कर लेते हैं कि शावर में कहीं मतलब लीकेज तो नहीं है, कैप में कहीं लीकेज तो नहीं है या मशीन रूम में कोई लीकेज तो नहीं है, सारा चीज़ हम लोग शावर टेस्ट में करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कितना स्पीड होना चाहिए, जैसे 0.5 माइल पर आवर हो गया या 44 फीट पर मिनट, ये हम लोकोमोटिव की स्पीड रखते हैं। नंबर ऑफ नोजल कितना होना चाहिए, 21 नोजल से कम नहीं होना चाहिए और जो भी नोजल का डिस्चार्ज प्रेशर है 1 गैलन पर मिनट होना चाहिए। देखिए शावर टेस्ट कैसे कराते हैं, देखिए ये देखिए हमारे दोनों, एक इधर ये शावर प्लांट लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है और इसमें सारे नोजल लगे हुए हैं। तो नोजल का प्रेशर है, देख रहे ना, ये 1 गैलन पर मिनट पर नोजल इसका डिस्चार्ज प्रेशर होना चाहिए, इसी से हम लोग इसको पास कराते हैं जो स्पीड हमने दिखाया था अभी। अगर कहीं लीकेज है तो उसको फिर हम लोग अटेंड करते हैं। देख रहे हैं ये सारे नोजल लगे हुए हैं सब चीज। ये इसको हम लोगों को क्या करते हैं, जो हमने स्पीड बताया था 0.5 माइल पर आवर की स्पीड से लोगों को मूव कराते हैं, आगे पीछे कराते हैं, उसके बाद इसको रोक करके इसका लीकेज इंस्पेक्टर लोग चेक करते हैं, लीकेज है तो उसको फिर अटेंड करा के दोबारा फिर शावर कराया जाता है जब तक कि शावर टेस्ट पास ना हो जाए। ये हमारा शावर टेस्ट हुआ, डिस्पैच करने से पहले इसका शावर टेस्ट कराया जाता है। ये एक आप एक मतलब डाउन करा करके ये शॉर्ट टेस्ट हमारा हो जाता है। ये शॉर्ट टेस्ट हो गया। ये शावर इसका शावर टेस्ट करा लेते हैं हम लोग। शावर टेस्ट के बाद फिर क्या होता है, इसका फाइनल इंस्पेक्शन होता है, फाइनल इंस्पेक्शन के बाद फिर लोगों को यहाँ से डिस्पैच कर दिया जाता है।